जिनसे महका यह उपवन है। बात करें उन फूलों की जिनसे महका यह उपवन है, जो सुबह की चाय, दोपहर का अलार्म और शाम की थकान को करते कम है। जिनकी ममता में एक अलग ही महक है, जिनके अनुभव और सीख ने जीवन को दिए नए पंख हैं। दादा दादी नाना नानी, दादा दादी नाना नानी, तो वह फूल है जो हर बाग में नहीं खिलते हैं, वह खुश नसीब होते हैं जिन्हें दादा दादी नाना नानी मिलते हैं। आदरणीय प्रचार्य महोदय, समस्त साथी शिक्षकगण और उपस्थित सभी दादा दादी व नाना नानी, आप सभी को मेरा सुप्रभात। आज हम सब यहाँ बड़ों का सम्मान करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिनकी उपस्थिति का मतलब ही किसी भी घर में भलाई और पॉजिटिविटी का होना होता है। दादा दादी नाना नानी वास्तव में किसी भी परिवार में सबसे मजबूत बंधन प्रदान करते हैं। हमारे दादा दादी नाना नानी एक पुस्तकालय है, हमारे प्राइवेट गेम सेंटर है, सर्वश्रेष्ठ रसोइये हैं, सर्वश्रेष्ठ समर्थन देने वाले व्यक्ति हैं, अच्छे शिक्षक हैं और प्यार से भरी हमारी एक छोटी सी दुनिया है, जिसमें दो आत्माओं का एक साथ रखा गया है। वे हमेशा हमारी मदद के लिए खड़े रहते हैं। माता पिता के माता पिता यह शब्द हमारे दादा दादी नाना नानी के लिए बहुत ही उपयुक्त है। मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि दादा दादी या नाना नानी बहुत प्राणी होते हैं, जिन्होंने हमारे माँ बाप को पाल पोस कर बड़ा किया है और साथ ही हमारे जीवन में भी वो लोग बहुत ही अद्भुत सहायक के रूप में कार्य करते हैं। इनके चेहरे पर आई झुर्रियां इस बात का सबूत है कि यह घर में सबसे अधिक अनुभवी लोग हैं। इसलिए हम बच्चों के लिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उनके साथ जुड़े रहें, उनके अनुभवों से सीखें, उनसे ज्ञान अर्जित करें। वे जो हमें सिखाते हैं उनसे हर एक बात को सीखें और अपने जीवन का निर्माण करें। हम बड़े बच्चों को भी अपने दादा दादी नाना नानी की इतनी जरूरत अब भी लगती है जितने हम छोटे थे तब लगती थी। उनसे मिलने वाली प्राइसलेस एडवाइजर्स, उनका विजन, उनका नेचर, उनका डिसीजन बेमिसाल है। जीवन के कपड़े में दादा दादी नाना नानी एक मजबूत धागा होते हैं और हम बच्चे सुंदर रेशे होते हैं। यह हमारे परिवार के सदस्य के रूप में हमारा कर्तव्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को उनकी जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए, वह उनका सदा आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अब मैं अपने दादा दादी के सम्मान में कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ और आई होप कि आप लोगों को पसंद आएंगी। यह रिश्तों की बगिया है, खिला खिला हर एक फूल है। यह रिश्तों की बगिया है, खिला खिला हर एक फूल है। हाथ थामे एक दूसरे का, देखो कैसे घर बना कल्प वृक्ष है, देखो कैसे घर बना एक कल्प वृक्ष है। दादा दादी आज सुना रही आपकी कहानी हूँ। वृक्ष हो आप, हम सब फूल हैं आपके। नन्हे नन्हे थे कभी हम, पर आज बने हैं ढाल आपके। मुझे वे बीते दिन याद आते हैं, बचपन की वो गलियां याद आती हैं। मेरा रूठना और दादी आपका प्यार से मुझे मनाना, मेरा रूठना और दादी मुझे प्यार से आपका मनाना। दादा आपकी उंगली पकड़कर मेरा यूं झटलाना, चलो फिर याद करते हैं, चलो फिर याद करते हैं वो प्यार भरे दिनों को, जहाँ प्यार प्यार और सिर्फ दादा दादी नाना नानी आपका प्यार था। आसमान में जितने चांद सितारे हैं, उतनी उम्र दादा दादी नाना नानी आपकी हो। खुशियां सिर्फ नगमे सुनाती रहे, बस यही दुआ मेरी हो, बस यही दुआ मेरी हो।